अंधा होने के बाद भी विश्वदीप सोरेन ने भीख मांगने की बजाय विधाननगर से सिलीगुड़ी आकर अगरबत्ती बेच रहे हैं। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में अगरबत्ती लेकर वो शहर की सड़कों पर अगरबत्ती बेचता नजर आ रहे हैं। अपने अंधेपन को दूर कर विश्वदीप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विश्वदीप बचपन से ही देखने में असमर्थ है, लेकिन उनमें जीवन की लड़ाई में आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा है। 8 साल की उम्र में वो अपने घर से विधाननगर के ब्लाइंड स्कूल चले आए। उन्होंने वहां 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अब वो रोज अगरबत्ती बेचने के लिए विधाननगर के ब्लाइंड स्कूल से सिलीगुड़ी आते हैं। विश्वदीप ने आत्मनिर्भर बनने का यह रास्ता चुना है। वो हर दिन 4 दर्जन अगरबत्तियां बेचते हैं और फिर विधाननगर लौट जाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें पूरा रास्ता अकेले ही तय करना होगा, इसलिए वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। विश्वदीप सोरेन ने कहा कि छड़ी ही मेरी सब कुछ है, इसे लेकर मैं विधाननगर से सिलीगुड़ी अगरबत्ती बेचने आता हूँ। पहले तो थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब मैंने सब कुछ सीख लिया है। जब मैं 8 साल का था, तब से मैं ब्लाइंड स्कूल में रहता हूँ। मैंने वहाँ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। इसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे घर लौटने के लिए कहा, लेकिन मैं वापस घर नहीं गया। क्या किसी ने दृष्टिहीनता का फायदा उठाया है? इस सवाल पर विश्वदीप ने कहा कि सब कुछ विश्वास पर ही निर्भर है। मैं लोगों पर विश्वास करता हूँ। जीवन विश्वास पर आधारित है। नाम विश्वदीप सोरेन। हमें विधाननगर पास भीमवार ब्लाइंड स्कूल आखान इसी प्रथमत ब्लाइंड स्कूले एच एस पर्त पढ़ाशुना करणवशते मैं अर्थर अभाव पढ़ाशुना करते पर कारण मैं बिजनेसटा बेचे नहीं तो मैं असुविधा तो हो तो मानी नहीं चलते हि आप धूपकाठी बिक्री कर पशापाशी अर्केस्ट्रा आदमी ब्लाइंड स्कूले अर्केस्ट्रारे मध्य हमें नाल बजाई नाल तबला ये समस्त असुविधा तो जेहेतु हमें जन्म थके ब्लाइंड तो हमारे खूब मैं नतून नतून अवस्था मैं अनेकटा असुविधा हतो एखो है तो এখন একটু এই লোকের সহযোগিতা নিয়েই চলি আর কি। হ্যাঁ, অনেক সময় হয় বা অনেক সময় হতে চায় না। দিনে মোটামুটি 3-4 দর্জনের মতো হয় আর কি, এতে হয়ে যায় আর কি। বাড়িতে তো দাদা আছে, বৌদি আছে। যে হ্যাঁ, আমি বছরে 2-1 বার করে যাই আর কি। ওই সময় আমি ব্লাইন্ড স্কুলেই থাকি। এটা বলতে চাই যারা এইভাবে ভিক্ষে করছে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে তারা যেন মানে সুন্দর কাজ করুক, এটাই আমি চাইবো।